एक बच्चा सुबह घर से निकलता है बहुत खुश खुश, स्कूल की बस में चढ़ता है और सब लोग उसको देखकर हंसते हैं। वो बच्चा घबरा जाता है, वापस स्कूल से आता है, रोता है और कहता है मुझे स्कूल नहीं जाना। ये मैं आपको किसी एक नॉर्मल रेगुलर बच्चे की कहानी सुना रही हूँ, और यहीं पर कोई एक बच्चा जिसकी स्पेशल नीड्स हो तो वो घबरा जाता है। स्पेशल नीड्स सुनकर आप भी चौंक गए क्या? ये बच्चा किसी के भी घर में हो सकता है, आपके घर में, मेरे घर में, कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन कई बार हम पेरेंट्स ही कतराते हैं इस चीज को मानने के लिए कि ये बच्चा मेरे घर में हो सकता है, और बहुत सारी बार हम कहते हैं कि इसको पढ़ना ही नहीं है, इसके पास बहुत सारे बहाने हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने जा रही हूँ जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इसको कोई लोग हैंडीकैप्स बोल देते हैं, चैलेंज्ड बच्चे बोल देते हैं, स्पेशल नीड बोल देते हैं। ये शब्द कब कहाँ कॉइन हुए, क्या इन बच्चों की ज़रूरतें हैं, क्यों नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने सोचा कि इसको मेन स्ट्रीम में लेकर आना है और इसको एक एजुकेशन का गोल बनाना है। यहाँ पर क्या मैं केवल दिव्यांग बच्चों की बात करूँगी? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जेंडर सेंसिटिविटी और कुछ बच्चे, देखिए मैंने अभी ऐसे बच्चे की बात करी जो स्पेशल नीड हैं, लेकिन कुछ बच्चे जिसको बोलते हैं कि जेंडर की वजह से तरह पैदा हो जाते हैं, तो इसको किस तरीके से देखा जाता है? क्या इस बच्चे को रेगुलर स्कूल में पढ़ने का हक नहीं है? क्या केवल हंसना हंसाना ही हमारी जिम्मेदारी रह गई है, इसके अलावा और कुछ नहीं? तो आज हम एक एक करके सारे पॉइंट्स जानेंगे। तो देखिए, आपको दिख ही रहा है अपने स्क्रीन के ऊपर कि आज मैं किन किन पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगी। मैं आपके साथ बात करूंगी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन कैसे आया, कब आया। खैर, 1980 में ये शब्द कॉइन हुआ था, इंक्लूजन, सबसे पहले कैनेडा, फिर USA और फिर ग्रेट ब्रिटेन में आइडेंटिफाई हुए थी कुछ चीज़ें ऐसी जिसको हम स्पेशल नीड्स बोलते हैं। डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप किसी को भी बोला जा सकता है क्या? क्या डिफरेंसेस हैं इनके, इनको समझने की कोशिश करते हैं। इंक्लूजन और इससे रिलेटेड टर्म्स, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और मेन स्ट्रीमिंग कैसे आप कर सकते हैं। अगर आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, चाहे स्कूल हो या हायर एजुकेशन हो, इस पार्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आज ये सारे पॉइंट्स आपको देने वाली हूँ। फायदा क्या होगा? कई बार तो हमको लगता है ना, एक समय पर ये पॉइंट आ गया था। देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स, मैं मिस ना हो जाऊं तो मैंने बहुत सारी तैयारी इस चीज़ के लिए करी। आप भी पेपर पेन लेकर बैठ सकते हैं। तो एक बार हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इनको अनएड्यूकेबल तक घोषित कर दिया गया था। कैन यू बिलीव इट? मतलब पागल, इसको पढ़ने का हक नहीं है। अरे, इस बच्चे को कुछ आ ही नहीं सकता, कितना भी हम जोर लगा ले। ये शब्द जितना गहरा आघात मेरे बोलते वक्त कर रहे हैं, उतना ही गहरा आघात दिल में अंदर तक जाना चाहिए। सेंसिटिविटी किस किस पर, कहाँ कहाँ तक, किस लेवल पर होनी चाहिए, आइए चलिए स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझते हैं। और मेरे वीडियो को अंत तक आपको देखना ही है, तभी आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे कि आप क्या समझना चाहते हैं। और अगर आज आपको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे लगे, आपको ये लगता है कि यस हम ये कर सकते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक देखें और सबके साथ जुड़ें। मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर आज आपके साथ ये सारी बातें करने के लिए। तो देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले ये समझ लें कि इंक्लूजन इज अ बेसिक ह्यूमन राइट, ये कोई प्रिविलेज नहीं है। इनको अगर हम मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि इनको हम बड़ा फायदा कर रहे हैं, ह्यूमन राइट है। पैदा होते वक्त उसको पता थोड़ी था, डिसाइड थोड़ी किया था पहले। मतलब बहुत सारे टाइम तो महिला को ब्लेम कर देते ना, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। तय है ना कि पुरुष ही जिम्मेदार है बच्चा कौन होगा, किस जेंडर का होगा और कैसा होगा, पुरुष ही जिम्मेदार है। महिला इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू ये हो रहा है। तो ईश्वर ने तो इसको रच दिया है, दोनों को एक, जिसको बोलते हैं ना कि रथ का पहिया बना दिया है। ब्लेम जिसको करना है करते रहे। अब एक एक करके समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन में क्या क्या शामिल है। तो जैसा आप देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने का हक एक साथ है। हाँ, कुछ कॉन्जेनाइटल डिजीजेस होती हैं, राइट, कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज होती हैं कि जहाँ पर बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी, ऐसी कोई चीज़ें, राइट, कुछ इनेबिलिटीज होती हैं, कुछ लो IQ लेवल की जैसे चीज़ें होती हैं, वो शायद उनके लिए, मतलब एक समय था जब इसको बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया था एंड यहाँ पर इनको सेग्रीगेट करके, जिसको बोलते ना ब्लिथली डिस्क्रिमिनेशन किया गया था इन सारी पर्टिकुलर चीज़ों का। तो जब ये बात हो रही है कि इनको मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए, तो ये सारे पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हर एक का इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल कैसे करें, मैं वीडियो में एक एक करके बताती हूँ, राइट। हर एक के ऑल्टरनेटिव एक थॉट पर्सपेक्टिव होना चाहिए, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें। कई बार इन बच्चों की वजह से रेगुलर बच्चों को बहुत फायदा होता है, कैसे जानना चाहेंगे, रहिए मैं बीच में, वीडियो के बीच में यहां पर इस पॉइंट को डिस्कस करूंगी, राइट।
रेस्पेक्ट एंड एम्पथी आप करें। टीचर्स को रेगुलर ट्रेनिंग की जरूरत होगी, रेगुलर टीचर्स को भी, स्पेशल नीड की टीचर्स, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, ये सब तो रहेंगे ही अगर आप अपने सिस्टम में रखना चाहें, अच्छा अदरवाइज इकोसिस्टम में तो ये लोग मौजूद हैं, पर रेगुलर टीचर को। और ECEC टीचर का इतना बड़ा रोल हो सकता है कि वो आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं, और राइट टाइम पर बच्चे को अगर नीड मिल जाए तो ये बच्चे मेन स्ट्रीम में कन्वर्ट हो सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। राइट, आई एम श्योर आपने सारे पॉइंट्स देख लिए होंगे, पॉज करके भी आप देख सकते हैं और फिर आगे बढ़ते रहे। देखिए यहां पर मिलर एंड कैंट्स ने एक बात कही, दैट इंक्लूजन इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, फीलिंग रेस्पेक्टेड, वैल्यूड फॉर हु यू आर, फीलिंग अ लेवल ऑफ सपोर्टिव एनर्जी एंड कमिटमेंट फ्रॉम अदर्स, ताकि आप अपने बेस्ट स्किल्स को शोकेस कर पाए। मौका तो दीजिए, उस बच्चे को मौका ही नहीं मिला। टेक्नोलॉजी ने बड़ा रिफॉर्म किया है इसके अंदर। टेक्नोलॉजी ने तो जो दिव्यांग होते हैं ना, जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं, ब्लाइंड, या जो सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, उनके लिए यहाँ तक कि मोबाइल यूज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ऐसा आपके आसपास भी कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। राइट, और अगर कोई ऐसा केस, कोई एग्जाम्पल, कोई चीज़ आप शेयर करना चाहें, प्लीज़ यूज़ दिस प्लेटफॉर्म, और आप इस आई बिग वंडर को अपना प्लेटफॉर्म बनाएं और अपनी बात को भी मेरे जरिए आगे तक पहुँचाएं। तीन शब्दों की चर्चा यहां पर करते हैं, डिसेबिलिटी, इंपेयरमेंट और हैंडीकैप। तो यहां पर ये मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को भी कुछ भी बोल दिया। यहां पर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, जिसको हम बोलते हैं ICIDH, ने क्या कहा समझिए, बहुत इतना बड़ा चार्ट दिख रहा है, मैं सिंपल तीन लाइन में आपको समझाती हूं। इंपेयरमेंट का मतलब कि कोई ऑर्गन नहीं है या कोई सिस्टम फंक्शन नहीं कर रहा है, इंपेयरमेंट मतलब डिस्टर्बेंस हो गई है। डिसेबिलिटी का मतलब उस डिस्टर्बेंस की वजह से पर्सनल लेवल पर बच्चा नहीं कर पा रहा है, जैसे कोई ब्लाइंड है तो रेगुलर किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसका हैंडीकैप क्या होगा, मतलब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि कुछ लिमिटेशंस हो गई। तो देखिए ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी को भी कुछ भी कह देने से काम नहीं चलेगा। दीज आर मेडिकल टर्म्स, लेट अस ऑल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। हर जिसको बोलते, मैं भारतीय बोलने वाली थी, पर मैं तो कह रही हूँ विश्व में भी हर व्यक्ति जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, इन तीन शब्दों को तो समझ ले, पढ़े लिखे कहने से पहले जरा देखें तो कि हम इन डिफरेंसेस को जान भी पाते हैं क्या नहीं। देखिए ये जब मैं आपसे सारी बात कर रही हूँ ना, कि जहाँ पर किस वजह से उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में फ़र्क आ गया, या उसकी परफॉर्मिंग एक्टिविटी या उसके मैनरिज्म्स में फ़र्क आ गया, राइट, क्या यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सेक्स का फ़र्क पड़ता है या सोशियो कल्चरल फैक्टर्स का फ़र्क पड़ता है जिसकी वजह से वो बहुत सारे काम नहीं कर पाते। मेंस्ट्रुएशन के ऊपर बात करना एक बड़ा टैबू हुआ करता था, है ना, हम ये कहते थे कि भाई बीमार है, इसकी तबीयत खराब है, और उस लड़की को शायद बिल्कुल एक जगह, महाभारत में भी जब द्रौपदी रजस्वला हुई थी तब वो एक खास कक्ष में रहती थी और उनके पास बांधी और बंदे हुआ करते थे, जहां पर कि कोई लोग अंदर नहीं जा पाते थे और वो अपने तरीके से कक्ष से बाहर आती थी। जब चीरहरण हुआ था ना तो द्रौपदी रजस्वला थी, और आपको मालूम है कि श्री कृष्ण ने कैसे आकर उनकी रक्षा करी थी, तो वहां तो श्री कृष्ण थे, लेकिन अब जमाना बदल रहा है ना, हम मॉडर्न डे में रह रहे हैं, मॉडर्न डे में हम अपने आप को कहते हैं मॉडर्न मैन कहते हैं, हम अर्ली मैन से उठकर बने हैं, उभर कर बने हैं। क्या हम इन तीन शब्दों को समझते हैं, क्या हम समझते हैं कि ये परेशानी किसी को भी हो सकती है, और उस परेशानी एक एयरलाइंस है जिसने केवल इस वजह से पेरेंट्स और बच्चे को चढ़ने से रोक दिया कि अगर बच्चा हाइपर हो जाएगा तो पूरे एयरक्राफ्ट के अंदर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चा शोर की वजह से, बच्चा भीड़ की वजह से थोड़ा सा हाइपर हो रहा था, थोड़ा सा रिलैक्सेशन करते तो शायद वो बच्चा नॉर्मल हो जाता। कहा कि पेरेंट्स जा सकते हैं, बच्चे को छोड़ा जाएगा, बच्चे को कार्गो के साथ भेजेंगे क्या, कहाँ गई सेंसिटिविटी, किस जमाने की हम बात कर रहे हैं। इस एयरलाइंस को तो बंदी हो जाना चाहिए था, या कम से कम इनको पेनलाइज तो करना चाहिए था। शायद आप ये केस समझ गए होंगे, सर्च कीजिएगा, नहीं हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए जब हम ये बात कर रहे हैं ना, तो इंक्लूजन के साथ इन चार टर्म्स को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बार होते हैं इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, सेपरेशन और इंटीग्रेशन। मैंने चित्र के साथ भी समझाने की कोशिश करी है, इंक्लूजन का मतलब सब घुल मिल के रह रहे हैं, एक्चुअली तो ऐसा होना चाहिए, पर एक्सक्लूजन क्या, हमने इनको बिल्कुल बाहर निकाल दिया है, बिल्कुल बाहर निकाल दिया अपने दायरे से, ये हमारे साथ उठने बैठने के लायक नहीं है, है ना। मतलब एक बहुत बढ़िया टेलीविजन एड भी था जहां पर एक हिजड़ा आकर खड़ा हो जाता है तो बच्चा, माँ बच्चे को अपने पास खींच लेती है, जाने क्या कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना, है ना। ये तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, कोई डेफ एंड डम आ गए, कोई कैलिपर्स पर चलते हुए आ गए, तो हम उनको ऐसे देखते हैं जैसे ये कोई भीख मांगने के लिए आ रहे हैं, कि इस थॉट प्रोसेस को बदलने, मतलब
मेरे को बोलते वक्त ये शब्द नहीं आ रहे हैं, आप इस फीलिंग को समझ रहे होंगे राइट। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात पर अपने कमेंट डालें। यहाँ पर सेपरेशन का मतलब है हमने इस पूरी भीड़ को, पूरे हर तरह के दिव्यांग को, हर तरह के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में से भी बहुत सारे लोग, हर तरह से किसी भी तरह से जहां पर जेंडर से, सबको एक कैटेगरी में रख के अलग कर दिया। हम बड़े महान क्योंकि हमारे पास दो आंखें, दो कान, एक नाक, मुंह, हाथ पैर सब बराबर है, चलते वक्त काम आता हो ना आता हो, लेकिन हमने अपने आप को उनसे बड़ा ऊपर मान लिया, सर्वोच्च मान लिया ऐसा। और इंटीग्रेशन का मतलब है कि कोशिश करी जा रही है कि इस ग्रुप को धीरे धीरे समूह में शामिल किया जाए। इसके इतने फायदे हैं, एक रेगुलर बच्चे को अगर आप इंक्लूजन के साथ पढ़ाते हैं तो उस दिव्यांग बच्चे को तो क्या फायदा होगा जितना कि एक रेगुलर बच्चे की लर्निंग एनहांस हो सकती है, स्किल्स एनहांस हो सकती है। आप देखिए मैं आगे आकर एक एक करके आपको ये सारे पॉइंट्स बताती हूँ, तो ये हर एक के लिए हेल्पफुल है। देखिए तीन चीजें समझते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है। यहां पर आप देख ही रहे हैं जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनको रेगुलर एजुकेशन सेक्शंस में रखा जाए, कुछ अडेप्टेशंस कर लिए जाएं। हाँ एक एक्सपेक्टेशन है कि जो डिसेबिलिटी के बच्चे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स में नहीं आएंगे, तो थोड़ा बहुत चेंज कर लें, आप रैंप्स बनवा दें, लैब्स तक उनको पहुंचा दें। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में इसकी बात करी है, कोशिश करती हूं कि मैं उनको आई बटन पर लगा दूं, नहीं तो आप सर्व करेंगे, आपको स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे राइट। उस एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में थोड़ा सा चेंज करें आप। अच्छा स्पेशल देखिए अभी मैंने इंटीग्रेटेड एजुकेशन बताया, अब मैं आपको स्पेशल एजुकेशन बता रही हूं। स्पेशल एजुकेशन क्या है अगर आप देखें इसको, कि प्रैक्टिस ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स इन एन एक्सक्लूसिव सेटअप, खास क्योंकि उनको कुछ खास प्रॉब्लम्स हैं, इंडिविजुअलाइज लर्निंग चाहिए, वो रेगुलर ग्रुप के साथ शायद नहीं पढ़ते। इस प्रोसेस के अंदर इंडिविजुअली प्लान्ड, सिस्टमैटिकली मॉनिटर्ड अरेंजमेंट चाहिए, टीचिंग प्रोसीजर चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, कोलैबोरेटिव टीचिंग चाहिए, और पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कहाँ मिलता है। क्योंकि होम स्कूलिंग पेरेंट्स कर रहे हैं, माएँ बच्चों को सिखा रही हैं, बहुत सारी माओं ने अपना करियर छोड़ दिया है, पिताओं ने अपने जीवन को दांव पर लगाया क्योंकि वो बच्चे को उठाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जहां पर पिता अपने बच्चे को लेकर दौड़े और उस ओलंपिक की रेस को जीता और बच्चे को जीत का एहसास हुआ राइट। आई एम श्योर ये बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ों में। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिस करें प्लेसिंग ऑफ स्टूडेंट्स, अपने रेगुलर स्टूडेंट्स की स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज को एक ही क्लासरूम के अंदर कुछ स्पेसिफिक पीरियड्स और स्पेसिफिक स्किल्स के अंदर, जहां पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही है, जहां पर म्यूजिक है, जहां पर ऐसी कोई चीज़ जहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट्स ग्राउंड में। मैंने पहले अपने एक वीडियो में बोला था ना, हम बिल्कुल इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, बहुत तरीके से एंगेज कर सकते हैं, टीचर्स को भी बस हल्की फुल्की अपनी वोकैबुलरी और अपने सेंटेंसेस को चेंज करना है राइट। तो अगर मेन स्ट्रीम में हम ला सकते हैं धीरे धीरे, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई चैरिटी का वर्क हो सकता है। दान पुण्य बहुत करते हैं, इस काम को भी हमको करके देखना है। कुछ मिथ्स और फैक्ट्स हैं जो दिमाग को बड़ा उथल पुथल करके रखते हैं कि भाई सेग्रीगेशन ही बेटर है, क्यों अपने बच्चों को इन पागलों के साथ पढ़ाया। क्षमा कीजिएगा मुझे एक शब्द को यूज़ करने का, क्योंकि ये शब्द आम तरीके से यूज़ किया जाता है, इसलिए कर रही हूँ मैं। इन शब्दों से बहुत ही घायल और चोटिल हो जाती हूँ, मैंने पहले ही कहा ये किसी के भी घर में हो सकते हैं। फैक्ट क्या है कि इंक्लूजन इज द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम राइट। केयर वैल्यूज लाइक केयरिंग, शेयरिंग भी बढ़ती हैं रेगुलर लोगों में, बच्चा समझता है, एम्पथाइज करता है। अगर बच्चा उस बच्चे के साथ पढ़ रहा है, अपने घर के बड़े बूढ़ों को, चोट किसी को भी लग सकती है ना, एक्सीडेंट के टांग तो मेरी भी टूट सकती है ना, तो उस वक्त मैं भी क्या दिव्यांग हो जाऊंगी, टेम्पररी तो हो गई ना, तो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, तो मेरे घर के लोग मुझे भी धुतकार दें थोड़ी देर के लिए राइट। लोग मानते हैं कि इंक्लूजन बड़ा एक्सपेंसिव है, खैर बहुत ही अफोर्डेबल है, बस कुछ ही रैम्प्स और कुछ ही लिफ्ट्स या कुछ ही ऐसी चीज़ें लगवानी है एंड एक इक्विटेबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इक्विटेबल के ऊपर मैंने एक बार एक शॉर्ट्स भी बनाया था, वीडियो भी बनाया था, कुछ एक लोगों ने मुझे कहा इक्विटेबल इज ओनली फॉर जिसको बोलते हैं कि ये जहां पर कोई दिव्यांग बच्चा है ऐसा। इक्विटेबल रेगुलर क्लासेस भी है, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया, जरूर देखिएगा जाकर। रेगुलर स्कूल में इंक्लूजन नहीं हो सकता, कैसी बात कर रहे हैं, रेगुलर क्या नए इंस्टीट्यूशंस खड़े करेंगे, तो इंस्टीट्यूशन तो करना ही नहीं है इसको, रेगुलर एकेडमिक बिल्डिंग स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में ही प्रैक्टिस करना है। कुछ लोग मानते हैं इनके पेरेंट्स बड़े नॉन कोऑपरेटिव होते हैं बच्चों के साथ साथ ना, पेरेंट्स भी बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं और बड़े चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये पेरेंट्स को समझें ना, उनके साथ एम्पथाइज करें, वो एक रेगुलर पेरेंट से ज़्यादा शायद परेशानी के अंदर हैं, और जब वो अपने बच्चे के अंदर विजिबल चेंजेस आते हुए देखते हैं, दे टेंडर दे फुल सपोर्ट,
वो वहाँ पर आकर वर्क करने तक के लिए तैयार होते हैं, राइट। और ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि ये जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं ये हमारी सोसाइटी के ऊपर एक कलंक है, इनको हमें पालना पड़ेगा। खैर, टैक्स पेयर्स का पैसा से तो हम बहुत सारे लोगों को पाल रहे हैं। ये बच्चा बिल्कुल भी कलंक नहीं है, क्योंकि ये सब्सटैंशली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, अपने एरियाज में एक्सेल करते हुए। देर आर अमेजिंग एग्जांपल्स, आप चाहेंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद नेम्स अभी लेबल करती हूँ, आप जरूर जाकर देखिएगा। ओके, नाउ इंक्लूजन का एक और भी मिथ है कि केवल जिसको बोलते ना अच्छे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए, ये कौन सा लेबल हुआ अच्छे दिव्यांग बच्चे, मतलब ये कौन सा लेबल हुआ, राइट। हम रेगुलर बच्चों में छांटना शुरू कर दें, अच्छा मतलब अच्छा बच्चा गंदा बच्चा, उसी लेबल को रोक रखा है। सो यहाँ पर हर बच्चे को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बेस्ड ऑन द टैलेंट एंड एबिलिटीज। हेलल केलर का नाम तो सबने सुना है ना। देखिए एक एग्जाम्पल तो मैं अभी कोट कर देती हूँ, हमारे भारतवर्ष में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक एक करके कोट करूंगी। तो अभी आप जो देख रहे हैं, मैं एक पिक्चर दिखाने की कोशिश करी है जहाँ पर एक इंक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए, कैसे सब लोग अप्रोच करें। इस पिक्चर को आप आराम से बड़ा करके देखें, जो जो आप इन्वॉल्व कर सकते हैं करें, जो आप मुझसे पूछना चाहें पूछें। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ क्योंकि यहाँ पर राइट कैसे अपने स्कूल को, क्योंकि इसके बाद मुझे बात करनी है फायदे क्या क्या होंगे, बच्चों को भी क्या क्या फायदे होंगे। तो आप अपने स्कूल्स को कैसे कैसे इंक्लूसिव बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे चेंजेस अडॉप्ट करने हैं। कहाँ कहाँ पर? इंफ्रास्ट्रक्चर में, करिकुलम में, पेडागॉजिकल प्रोसेस में, क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर, स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट में, कम्युनिटी लेवल प्रोग्राम पर, और इवन असेसमेंट्स के अंदर। तो अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो स्कूल को इंक्लूसिव बना पाएंगे। जितना जल्दी इसको पहचान लेंगे, जितना जल्दी इसको सिस्टम में ले आ पाएंगे, हमारे लिए बहुत बेटर फ्यूचर है, क्योंकि ये एसेट्स हैं। ऐसा नहीं है, ये लोग जमकर काम करने के लिए तैयार हैं। मेरे फादर बचपन में कहा करते थे, किसी की एक इंद्री बंद होती है तो उसकी दूसरी इंद्री बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती है, उनके पास मतलब सिक्स सेंस हो जाती है, वो ऐसा कहना चाहते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टीचर का कितना बड़ा रोल है। बस टीचर की अगर ट्रेनिंग के बाद उनको टीचिंग एड्स बनाने आ जाएं, इवैल्यूएशंस कैसे करने आ जाएं, एक एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना, क्योंकि एटीट्यूडनल चेंज तो बहुत ज़रूरी है। बच्चों को स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनको पहचान लें, उनके साथ साथ कौन कौन से स्टेक होल्डर्स जुड़ेंगे, करिकुलम में हम चेंज करें, तो ये सारी चीज़ें हैं जो करनी है। कैसे ब्रिज करेंगे गैप को? तीन चीज़ें हैं, एक्सेस मतलब क्या हटाना है, पार्टिसिपेशन क्या लाना है, और लर्निंग आउटकम्स क्या निकलेंगे। तो तीन चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर, एटीट्यूडनल बैरियर, और स्कूल कम्युनिटीज़ को एक क्लस्टर्स की तरह हम ग्रो करें। किस किस को पार्टिसिपेट क्यों क्यों करना है, लर्निंग को मीनिंगफुल बनाएं, एज और लेवल अप्रोप्रिएट बनाएं, और एक मतलब यूनिवर्सल डिज़ाइन अडॉप्ट करें लर्निंग का। आउटकम्स का क्या क्या फ़ायदा होगा इससे? इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ बढ़ेंगी, लर्निंग प्रेफरेंसेस बढ़ेंगी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन तो हमको रेगुलर बच्चों को भी क्लासरूम में देना है ना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को तो शामिल करना ही है ना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिजिंग द गैप कैसे होगा। अंत में आपसे कुछ बात कहती हूँ, इन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको फॉलो कर लें, उन तक पहुंचें, उनका हक है, आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारा रिश्ता है, हमें उनको सम्मान करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसके घर में ये बच्चा पैदा हुआ है उसी की जिम्मेदारी है, ये हमारे देश का बच्चा है, ये बहुत कुछ कर सकता है। आपको ये बात ज़रूर अच्छी लगी होगी, अपने कॉमेंट्स छोड़ें। अगर आपको सही में अच्छा लगा, कहीं पर इतना सा भी टच किया है ना, एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और शेयर करें। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर। वीडियो को सब्सक्राइब करें। आज के लिए जय हिंद।